नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल इंडियन टेक एजुकेशन में। मैं हूं आपका होस्ट, आप सभी का दोस्त उज्जवल सिंगल। एंड गाइस, आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कुछ टिप्स आपके जियो फोन की बैटरी से रिलेटेड। अगर आप उन सभी टिप्स को ध्यान से सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो आपकी जो जियो फोन की बैटरी है उसका जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। आपके जियो फोन की मोबाइल की बैटरी पहले के मुकाबले अब ज्यादा चलेगी अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और ज्यादा बिना समय गवाए। सो गाइस, अब आप मेरे हाथों में मेरे जियो फोन को देख पा रहे होंगे। आपको भी अपने हाथों में आपकी जियो फोन को ले लेना है और अपने फोन में मेन्यू को ओपन करना है और चले जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में। जब आप गाइस अपने फोन की सेटिंग्स में पहुंच जाएं तो यहां पर आपको नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की कैटेगरी में मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग पे जाकर ओके करना है। यहां पर आपको डेटा कनेक्शन की सेटिंग पे जाना है और यहां पर आपको अपने डेटा कनेक्शन को ऑफ कर देना है अगर आप अपने फोन के अंदर नेट यूज नहीं कर रहे हैं तो। आपको हमेशा इस सेटिंग को ऑन करके नहीं रखना है, ओके? उसके बाद आपको गाइस नीचे आना है। यहां पर आपको एक नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलेगी जो कि है वाईफाई की। आपको इसे भी ऑफ कर देना है, ऑन करके नहीं रखना हमेशा। उसके बाद आपको गाइस नीचे आना है। यहां पर आपको नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलेगी जो कि है ब्लूटूथ की, और गाइस आपको इस सेटिंग को भी यहां पर ऑफ कर देना है, हमेशा परमानेंटली ऑन करके नहीं रखना है। और गाइस उसके नीचे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जो कि है NFC की। गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको इस सेटिंग को हमेशा परमानेंटली ऑफ करके ही रखना है। उसके बाद आपको गाइस इसके नीचे एक सेटिंग देखने को मिलेगी जो कि है जियो लोकेशन की। आपको इसे भी ऑफ ही रखना है। और गाइस अगर आप इसे ऑफ रखते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है, तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इसे ऑफ ही रखना है, ठीक है? अगर ये आपके फोन में ऑन है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपको गाइस साइड में आना है पर्सनलाइजेशन की कैटेगरी में। यहां पर आपको नीचे आना है डिस्प्ले की कैटेगरी में। और गाइस जब आप यहां पे डिस्प्ले की सेटिंग में आएंगे तो यहां पर आपको नीचे की तरफ आके अपने फोन की ब्राइटनेस को कम से कम पे सेट कर देना है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे फोन की जो ब्राइटनेस है वो 30% पर सेट है, तो आपको इसे यहां पे 10% के ऊपर सेट कर देना है। अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि हां मुझको ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तभी आप इसे बढ़ाइए, वरना आप इसे कम से कम ही रखिए। उसके बाद आप गाइस यहां पे नीचे आइए, आपको एक नेक्स्ट सेटिंग शो होगी जो कि है स्क्रीन टाइम आउट की। यहां पर आप इसके ऊपर ओके करिए। ओके करने के बाद आप यहां पे 30 सेकंड सिलेक्ट कर लीजिए। इससे ज्यादा का टाइम आप यहां पे सिलेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, और हो सकता है आपके फोन में ये सेटिंग नेवर के ऊपर सिलेक्टेड हो, तो आपको यहां पे 30 सेकंड्स जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको वापस आ जाना है और आपको चले जाना है अपने फोन की डिवाइस की कैटेगरी में। यहां पर गाइस आपको देखिए एक सेटिंग शो हो रही होगी सॉफ्टवेयर अपडेट की। आपको इसके ऊपर ओके करना है और चेक कर लेना है कि क्या आपका फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है या फिर नहीं। अभी फिलहाल आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो हो रहा है, कनेक्शन फेल्ड, प्लीज चेक योर नेटवर्क। तो गाइस मैं इस टाइम पे अपने मोबाइल के मोबाइल डेटा से कनेक्टेड नहीं हूं, इसलिए मुझे ये मैसेज शो हो रहा है। अगर मैं यहां पे कनेक्टेड होता तो ये मुझे बता देता कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है। और गाइस अगर आप लोगों के फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड नहीं है तो ऐसे में आप अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। अगर आप अपडेट करते हैं तो आपके जो फोन की बैटरी है वो काफी ज्यादा देर तक चलने वाली है, ओके? उसके बाद आप गाइस नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहां पर बैटरी की एक अलग कैटेगरी शो होती है, एक ऑप्शन शो होता है, एक सेटिंग शो होती है। आपको सिंपल इसके ऊपर ओके करना है। जब गाइस आप यहां पे ओके करते हैं तो आपको करंट बैटरी का जो लेवल है वो शो हो जाएगा, जो कि मुझे शो हो रहा है 97%। उसके बाद आप गाइस यहां पर पावर सेविंग मोड के ऑप्शन पे आ जाइए और यहां पर इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, ठीक है? बट एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अपने फोन में पावर सेविंग मोड को ऑन करते हैं तो ऐसे केस में आपके फोन में ना तो ब्लूटूथ वर्क करेगा, ना जियो लोकेशन वर्क करेगी और ना आपका जो मोबाइल डेटा है वो वर्क करेगा। ये तीनों चीजें आपके फोन की ऑफ हो जाएंगी और ये ऑफ होने के बाद आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत देर तक चलेगी, ओके? और अगर आप ऑन करते हैं मैन्युअली इन तीनों में से किसी भी चीज को तो ये जो पावर सेविंग मोड है ये आपके फोन का ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर जब आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये जो पावर सेविंग मोड है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। गाइस यहां पर आप
जब इसे पावर सेविंग मोड को ऑफ करते हैं तो आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है टर्न ऑन ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे गाइस आपको आकर इसके ऊपर ओके करना है और 15% बैटरी लेफ्ट के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा करने से होगा क्या कि जब आपके फोन की बैटरी 15% रह जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका फोन जो है वो पावर सेविंग मोड के ऊपर सेट हो जाएगा। तो ये सब सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर कर लेनी है। अगर आप अपने फोन के अंदर ये सभी सेटिंग्स कर लेते हैं तो आपके जो जियो फोन की बैटरी है वो बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 दिन चल जाएगी, 3 दिन चल जाएगी, लेकिन हाँ आपके जियो फोन की जो बैटरी है वो तकरीबन 2-3 घंटे फालतू चल जाएगी अगर आप अपने फोन के अंदर ये सभी सेटिंग्स करते हैं तो। सो गाइस आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के जस्ट नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, दबा दो यार उसको और सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आप ऐसी ही और वीडियोज देखते रहें और मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज बनाता रहूं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल इंडियन टेक एजुकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। Call.